नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। लेकिन राहुल गांधी कौन सा गांधीवाद पर चल रहे हैं? गांधी जी ने जो स्वदेशी की बात करी, ये कौन से स्वदेशी की बात कर रहे हैं? ये जनेऊ कोर्ट के बाहर लटका करके और गांधीवादी बनना चाहते हैं तो उसको जनता समझती है, और इसलिए राहुल गांधी देश की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। मैं त्रिवेंद्र रावत जी का एक बयान देख रहा था जिसमें वो नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उनको महिमा मंडित कर रहे हैं, और त्रिवेंद्र रावत जी से यही उम्मीद की जा सकती थी क्योंकि वो संगठन से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, गांधी जैसे महान व्यक्ति की हत्या करने वाले का समर्थन करके उन्होंने साबित कर दिया कि देश गलत हाथों में है। जब देश के किसान आंदोलन कर रहे थे, एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, मंत्री का कुछ नहीं हुआ, न उस मंत्री के पुत्र का कुछ हुआ। देश के खिलाड़ी जो गौरव बढ़ाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पदक प्राप्त, पद्मश्री पदक प्राप्त खिलाड़ियों का चीरहरण पूरे दिल्ली की बाजार में सड़कों में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री सरेआम लोगों को पिटाई करते हुए दिखाई देता है, वीडियो जारी होते, लेकिन सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। इसी प्रदेश में उत्तराखंड में जब अंकिता बेटी का चीरहरण हो रहा था, उसकी मृत्यु होती है, वीआईपी का नाम छिपाने के लिए सरकार सारे जतन करती है। इस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेताओं से वही उम्मीद की जा सकती है जो त्रिवेंद्र रावत जी ने बयान दे के करी है। मैं उनके बयान की भर्त्सना करता हूँ और कहता हूँ कि त्रिवेंद्र रावत को ऐसे कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।